फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का सॉल्व पेपर पढ़ रहे थे एलजेब्रे का। इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसके हमको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी एक क्वेश्चन था अपने पास, ये है उपक्षेत्र को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि समुच्च एस बराबर ए प्लस टू की पावर 1/2 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, जहाँ ए बी एंड सी जो कि क्यू हैं, बिलोंग्स टू क्यू, आर का एक उपक्षेत्र है। अब सॉल्यूशन करते हैं। उपक्षेत्र, उपक्षेत्र किसे कहते हैं? पहले उपक्षेत्र यानी कि सब फील्ड। सब फील्ड माना कि एच कोई एक क्षेत्र है, एच नहीं, हम इसको जी मानते हैं। माना कि जी कोई एक क्षेत्र है तथा ए जी का कोई उपसमुच्चय है। जो जी एक क्षेत्र है, जी एक क्षेत्र है तो जी का कोई, जी एक सेट होगा, उसका कोई जो उपसमुच्चय है, हमने ये मान लिया ए सबसेट है इसका। तथा यदि ए भी एक क्षेत्र है, अब जो उसका जो सेट है वो भी अगर एक क्षेत्र है तो ये जी का उपक्षेत्र कहलाता है। यानी कि हमारे पास कोई सेट है जी जो कि क्षेत्र है, और इसका कोई एक सबसेट है अपने पास ए, ये कोई सबसेट है, और ये भी उन्हीं संक्रियाओं के साथ एक क्षेत्र बनाता है, तो ये उपक्षेत्र हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है एस बराबर ए प्लस टू की पावर 1/2 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, एक उपक्षेत्र है वो भी आर के सापेक्ष। अब हमें ये सिद्ध करने के लिए सिंपली हम देख सकते हैं ये सभी आर ही हैं, तो एस एस जो है वो आर के अवयव है एस में। अब हमें मान लिया हम ए बी सी बिलोंग्स टू आर तथा 2^1/3, 4^1/3 बिलोंग्स टू आर, सो ए प्लस 2^1/2 बी प्लस 4^1/3 सी, सभी ये आर से बिलोंग करेंगे क्योंकि ये आर का जो रियल नंबर है उनका मल्टीप्लाई हम सम हो रहा है, तो मल्टीप्लाई रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें या रियल नंबर का सम करें, हमेशा रियल नंबर ही होती है। अतः हमने पहले यहाँ शो कर दिया एस इज सबसेट ऑफ आर। अब हम सिद्ध करेंगे कि एस है वो एक क्षेत्र है। अभी मान लिया हमने कोई दो अवयव ले लिया है इसके, एक तो ये ले लिया एक्स बराबर ए वन टू की पावर 1/2 बी वन प्लस 4 की पावर 1/3 सी वन, इस तरह से एक अवयव ले लिया जहाँ ए वन बी वन सी वन बिलोंग्स टू क्यू। तो दूसरा अवयव लिया हमने वाई बराबर ए टू प्लस 2 की पावर 1/2 बी टू प्लस 4 की पावर 1/3 सी टू, जहाँ ए टू बी टू सी टू बिलोंग्स टू क्यू। अतः ये इस फॉर्म में तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू एस है। अब हमें एस को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि फर्स्ट तो ये करना होगा हमें एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस हो जाए, और तथा अशून्य अवयव का दूसरा जो हमें सिद्ध करना होगा वो करना होगा जो कि अशून्य अवयव का प्रतिलोम एस में विद्यमान है, मतलब जो कि एस के जो भी प्रत्येक अशून्य अवयव है जो कि जीरो जीरो को छोड़कर जो भी अवयव हैं उनका प्रतिलोम एस का जो भी जो कि उनका प्रतिलोम होगा एस में ही विद्यमान होगा। अर्थात हम अगर ये सिद्ध करते हैं कि दो उनके दो अवयवों का अगर हम एक्स माइनस वाई मतलब उनका हम एक में से दूसरे को घटाएं तो वो हमारे पास एस में आ जाए, और साथ ही हमें सिद्ध कर लें कि कोई भी हम अवयव लें शून्य के अलावा कोई भी अवयव लें और उसका प्रतिलोम हम अगर एस में ही ला दें तो हमारे लिए क्षेत्र सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये कर लिया, एक्स माइनस वाई बराबर आ गया अपने पास ए माइ, इसको हम सिंपल एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये अवयव है ए वन प्लस 2^1/2 प्लस 4^1/3 सी वन। अब इस तरह इनको एक्स माइनस वाई करेंगे तो ए वन माइनस ए टू प्लस बी वन माइनस बी टू और 2^1/2 ये बाहर कॉमन में आ जाएगा, इसी तरह ये आ जाएगा 4^1/3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सी वन माइनस सी टू ये आ गया। अब चूंकि ए वन ए टू बिलोंग्स टू क्यू तो ए वन माइनस ए टू, क्योंकि दो कोई भी अगर दो हम परिमेय संख्या लें तो ए वन ए टू ए बी वन बी टू सी वन सी टू क्या रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड इनमें से घटाएं हम ए वन माइनस ए टू करें तो हमेशा परिमेय संख्या आती है। इस तरह ये सभी संख्याएं जो क्यू से बिलोंग कर रही हैं तो एक्स माइनस वी बिलोंग्स टू एस हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे कि कोई अवयव लेंगे एक्स जो कि इक्वल नॉट जीरो हो, ये के लेंगे तो हम सिद्ध करेंगे कि 1/x जो होगा इसका प्रतिलोम ये भी एस में एग्जिस्ट करेगा। इसको सिद्ध करने के लिए एक्स बराबर 1/x जो एक्स एक्स बराबर क्या था ए प्लस सॉरी यहाँ 2^1/2 बी प्लस 4^1/3 सी ये है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई इस तरह से किया है हमने यहाँ पे कि नीचे जो बन जाए वो एक
एक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या बन जाए। हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है कि जो पावर है इनकी, ये पावर हट जाए। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू की पावर 1/3, 2c² माइनस ए बी प्लस 4 की पावर 1/3, बी स्क्वायर माइनस सी ए, और नीचे आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2b³ प्लस 4c³ माइनस 6abc, ये आ गया। तो अब हम देख सकते हैं अगर इसको अलग लिख दें तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और ये दोनों परिमेय संख्या रियल नंबर परिमेय संख्या रहेगी। इस तरह साथ हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू एस, वाई बिलोंग्स टू एस, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस हो गया, और अगर एक्स बिलोंग्स टू एस है तो 1/x बिलोंग यानी एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस हो गया। अतः ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि एस जो है वो आर का उपक्षेत्र है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है उस वलय के लिए जिसकी प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्क्वायर बराबर ए, ये कोई हमारे पास कंडीशन दी है सही है, तो उसके लिए सिद्ध करना है ए प्लस ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए बराबर बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो ए बराबर बी होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और थर्ड है कि आर जो होगा वो एक क्रम में वलय होगा, अब ये सिद्ध करने हैं। तीन हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, ये सिद्ध करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, माना ए बिलोंग्स टू आर, जब ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ए प्लस ए जो होगा वो भी बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि सहचारिता के नियम से, क्योंकि उस वलय के लिए जिसमें ए बिलोंग्स टू ए वलय दी हुई है तो वलय में सहचार नियम लगेगा, तो ये आर से बिलोंग कर जाएगा। तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर ये भी सहचार नियम से बिलोंग्स टू आर करेगा, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि अगर उसके किसी किसी एलिमेंट का स्क्वायर करें तो ए के इक्वल है, तो ये हमने ये कर दिया। तो ए प्लस ए इसका दो बार लिख लिया हम, ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए, इसको हमने खोल दिया तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपली खोल दिया ऐसे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस ए, ये आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर ए है अपने पास, तो ए स्क्वायर की जगह सभी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए। अब हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया हमने, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, अगर ये इधर का, अगर इधर माइनस ए का माइनस ए से माइनस ए ऐड करें और इधर भी माइनस ए ऐड करें और इधर माइनस ए ऐड करें, यहाँ पे माइनस ए ऐड करें, तो ये अपने पास ये आ जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड इधर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसी तरह यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया तो ये आ जाएगा अपने पास ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब हमारा सेकेंड सेकेंड था वो हमें प्रूव करना, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो देन इम्प्लाई करता है ए इक्वल टू बी, तो ये अपने पास ए बिलोंग्स टू आर बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब हमें ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए लिख सकते हैं हम आराम से, क्योंकि ये ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए प्लस ए बराबर क्या हमने पहले शो कर चुके हैं, ए प्लस ए इक्वल टू जीरो है, ये हमने ऊपर ये शो कर चुके हैं, तो ए प्लस जीरो की जगह हमने ए प्लस ए लिख दिया। अब हमने फिर कैंसिलेशन लॉ लगा दिया, कैंसिलेशन लॉ लगाने से अपने पास ए से ए चला जाएगा और ये बी इक्वल टू ए आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड था वो था अगर माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ये अपने पास थर्ड कंडीशन थी, आर एक क्रम में वलय प्रूव करनी थी हमें। अभी थर्ड कंडीशन प्रूव करते हैं हम, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये तत्समकता समरता नियम से, समरता नियम से ये इसमें करेगा, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। हमें क्रम में वलय के लिए हमें क्रम में प्रूव करना है, क्योंकि वलय तो है ही, तो ये हमने ए स्क्वायर इसका हम खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने ये खोल दिया, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे पास दिया हुआ है कि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर हो तो ए आ जाता है, तो कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास आ जाता है इससे ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब हम जो अपने पास सेकंड तो जो हमने सॉल्व किया था वो था अपने पास बी इक्वल टू ए, अगर ए प्लस बी किसी दो का सम हमारे पास जीरो हो रहा है, तो जैसे ये हो रहा है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो रहा था, तो बी इक्वल टू ए, तो इससे हमें ए प्लस यहाँ पे ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं इक्वल टू जीरो, तो यह ए बी बराबर बी ए, इस तरह से हमारे पास ये कम्यूटेटिव आ गए, तो ये क्रमबिन्न में हो गया। इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो अपने पास ये आर थी ये क्रमबिन्न में वलय हो गई।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वलय, सिद्ध कीजिए कि किसी भी वलय का एक इकाई सहित वलय में अंतःस्थापन किया जा सकता है। हमारे पास कोई वलय दी गई होगी, उसको इकाई सहित जो यूनिट होगी उसके साथ अंतःस्थापन किया जा सकता है, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम माना कि आर एक वलय है तथा तो जेड पूर्णांक एक वलय, साथ ही माना कि आर डैश बराबर जेड क्रॉस आर डैश, जेड क्रॉस आर। तो ये हो गया एम ए, इस तरह से हमें परिभाषित कर दिया एम ए, जहाँ एम बिलोंग्स टू जेड और ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें कार्तीय गुणनफल है इसका, ये इस तरह से परिभाषित किया है। आर डैश में योग तथा गुणन संक्रिया हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, अब हमें इसमें गुणन योग तथा गुणन संक्रिया परिभाषित करनी है, उनको हम कर सकते हैं जैसे एम एम टू प्लस ए प्लस एन टू प्लस बी इक्वल टू एम प्लस एन एंड ए प्लस बी फोर ऑल एम एन बिलोंग्स टू जेड, और जो गुणन संक्रिया होगी एम ए डॉट एन बी इक्वल टू एम एन एम एम बी प्लस एन ए प्लस ए बी फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब एम एन बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए हमने गुणन तथा योग संख्या परिभाषित कर दी। नाउ इट इज क्लियर दैट बोथ ऑपरेशन आर वेल डिफाइंड, हम ये देख सकते हैं आराम से इनको वन वन एंड ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको वन वन ऑन टू प्रूव करने लगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, या हम शो भी कर सकते हैं इसको, जैसे अगर इसको अलग अलग मान के चलें कि ये अलग नहीं है तो फिर इसको हम वन वन प्रूव कर सकते हैं इस तरह से, और ऑन टू भी प्रूव कर सकते हैं। साथ ही हम आर को उपरोक्त संक्रियाओं के साथ बलय सिद्ध करेंगे, जो हमारे पास हमने आर माना था वो ये दोनों संक्रियाएँ हैं, इनके साथ हम बलय सिद्ध कर रहे हैं। बलय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं योग के लिए साचार्यता, क्योंकि इसे ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन का मतलब संवृत है। अब हम इसको साचार्यता प्रूव करते हैं, एसोसिएटिविटी शो करते हैं। तो इसके लिए हम मान लिए एम ए एन बी एम एंड सी पी सी बिलोंग्स टू आर, एम ए एन बी एंड पी सी बिलोंग्स टू आर, देन हमने इसका साचार्य नियम के लिए एम ए और बड़ा कोष्टक एन बी प्लस पी सी ये कोष्टक बंद, इस तरह से हमने सम किया। तो ये हमने जो सम शो किया था, सम हमने जो डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसका सम किया है। तो ये हो गया एम, ये तो बाहर ही है, प्लस इनका दोनों का सम हो गया एन प्लस पी एंड ए प्लस सी, अब हमने इन दोनों का अलग अलग सम कर दिया, तो ये हो गया एम प्लस पी प्लस एन प्लस पी एंड ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो अब हम जानते हैं कि जो आर एवं जेड होते हैं वो क्रमबिन में होते हैं, जो सॉरी साचार्य होते हैं, तो हमने साचार्य नियम से यहाँ पे एम प्लस एन प्लस पी लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया यहाँ साचार्य, क्योंकि आर एवं जेड साचार्य होते हैं दोनों। तो ये हो गया एम प्लस एन एंड ए प्लस बी एंड पी और सी बाहर ले दिया, तो ये हो गया एम ए प्लस एन बी इक्वल टू पी प्लस सी, तो साचार्य नियम हमारे पास सत्यापित हो गया इससे। उसके बाद हम शो करते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी क्या हो गई एडिशन के लिए, तो हम जीरो जीरो ले लेते हैं, जीरो जीरो क्योंकि जीरो आर में भी बिलोंग, जीरो आर में बिलोंग करता है, जीरो जेड से बिलोंग करता है, तो हम जीरो जीरो ये कब हो गया इसका, ये हो गया, तो एम ए प्लस जीरो जीरो बराबर एम ए एंड जीरो जीरो प्लस एम ए बराबर भी जीरो एम ए ही आएगा, इस तरह ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब हम करते हैं एडिटिव इन्वर्स, कोई अब हमारे पास अभी अब है एम एंड ए बिलोंग्स टू आर, तो माइनस एम और माइनस ए ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, m बिलोंग्स टू z और a बिलोंग्स टू z, तो m m बिलोंग्स टू z मतलब तो माइनस एम भी बिलोंग्स टू z करेगा और a बिलोंग्स टू r, तो माइनस a बिलोंग्स टू r करेगा, इस तरह हमारे पास ये भी ये हो गया माइनस a माइनस m माइनस a बिलोंग्स टू r करेगा, m प्लस a प्लस m माइनस a m सॉरी प्लस m m माइनस m एंड माइनस a, तो ये हो गया जीरो जीरो, इस तरह हमने ये सम किया तो ये भी हमारे पास जीरो जीरो आ गया। अतः एम ए का योजित प्रतिलोम, कोई अभी अब एम ए इस तरह का होगा तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस एम माइनस ए होगा। अब हम करते हैं जो सम के लिए उसके लिए कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं, सम के लिए कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए एम ए एंड एन बी इक्वल टू एम प्लस एन एंड ए प्लस बी, जहाँ हम जानते हैं आराम से कि जेड और जेड एंड आर जो होते हैं वो क्रमबिन्द में होते हैं, तो क्रमबिन्द से हमने इसको चेंज कर लिया, ये आ गया ये आ जाएगा एन एंड एम और यह आ जाएगा b प्लस ए, तो ये तो हो गया एन बी एंड एम ए, इस तरह से हमने इसको कर दिया, तो ये युद्ध के लिए क्रमबिन्द में हो गया। अब हम करते हैं गुणन के लिए साचार्यता, गुणन के लिए साचार्यता के लिए हमने पहले एम ए एंड एन बी एंड पी सी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया अपने पास एन पी एन सी प्लस पी पी वी प्लस बी सी, जो कि हमने डिफाइन किया है सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका मल्टीप्लाई किया है।
ये जो हमने डिफाइन किया था इसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया है, अब ये इसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसका एम बी का मल्टीप्लाई किया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया एन एम एन पी प्लस एम एन सी प्लस एम बी एन, ये देखिए ये एम बी सी प्लस एन ए बी प्लस ए एन सी प्लस ए बी पी प्लस ए बी सी। अब हमें इसके सहचार के लिए हमें अब इस बार इधर से मल्टीप्लाई कर लिया, हमें एम ए एन पी का पहले मल्टीप्लाई करके पी सी का बाद में कर रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करने पे आ गया एम एन एम बी प्लस एन बी प्लस ए बी, फिर पी सी का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एम एन पी एम एम पी सी एम बी पी एम एम बी सी एन ए पी ए बी पी एन ए बी सी। ये देख सकते हैं हम ये सभी इसी टर्म में हैं, सर फर्क ना है कि कोई इस तरह से मिल रहे हैं कि ये इनका क्रम सही नहीं है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आर तथा जेड योज तथा गुणन क्रम बिन में होते हैं, तो आर अपन जेड क्रम बिन में होते हैं, तो हम इससे मिला सकते हैं, इनको मैच कर सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास एम ए, ये जो है अपने पास क्रम बिन में आ गया इस तरह से। अब गुणन के लिए हमें आइडेंटिटी शो करनी है, अब हमारे पास गुणन के लिए कोई अभी अब ये अभी अब वन जीरो बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि वन बिलोंग्स टू आर है जीरो बिलोंग्स टू जेड है, तो तब कोई अभी अब एम ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए वन जीरो डॉट एम ए बराबर आ जाएगा एम ए, क्योंकि बाकी ये जो टर्म होगी ये जीरो हो जाएगी, ये ए हो जाएगी सॉरी वन वन डॉट ए हो जाएगा, तो वन ये एम ए आ जाएगा। इसी तरह से एम ए डॉट वन जीरो बराबर ये आ जाएगा एम ए, तो अतः वन जीरो इकाई अभी अब है ये आ गया अपने पास। साथ ही फाइव ए बी, अब अतः आर इकाई सहित तत्समय की बल है, हमने हमारे पास ये आ गया आर जो है वो इकाई सहित एक तत्समय की बल आ गया, क्योंकि उसमें इकाई हमने भी शो की है ये आ गया। तो अब हमें ये माना एस जो है वो आर डैस का उपसमुच्चय, एस बराबर हमने मान लिया जीरो क्रॉस आर बराबर जीरो ए, ए बिलोंग्स टू आर। अब हमें जीरो ए जीरो बी के लिए जीरो बी के लिए इसको हमें क्या शो करना है, बल शो करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ऋण माइनस शो करना है, उसके बाद जीरो ए माइनस जीरो बी इक्वल टू जीरो ए प्लस जीरो एंड माइनस बी, इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो हो गया जीरो और माइनस ए बी बिलोंग्स टू एस, ये बिलोंग्स टू एस हो गया। अब इसके हमने मल्टीप्लाई के लिए किया तो जीरो ए एंड जीरो बी, तो ये आ गया जीरो, ये हो गया मल्टीप्लाई किया तो जीरो ए जीरो बी एंड ए बी, ये तो ये आ गया जीरो ए बी। अतः आर एस जो है आर डैश का उपबल है, क्योंकि उन्होंने दोनों दोनों रूल फॉलो कर दिए। अब प्रमेय से प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको सिद्ध करने के लिए हमें फाई आर टेंस टू सी प्रतिचित्रण को एक एक की समाकारिता अर्थात तुल्यकारिता मतलब कि हमें वन वन एंड ऑन टू इसको शो करना होगा। अब फाई को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, फाई ए बराबर जीरो ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फाई ए प्लस बी बराबर जीरो, हमने ये फलन पर शो कर लिया, क्योंकि अब ये शो कर लिया तो इसके बाद फाई ए प्लस बी इसको हम वन वन एंड ऑन टू शो करना है, तो फाइव ए प्लस बी बराबर जीरो एंड ए प्लस बी बराबर इसको लिख सकते हैं हम जीरो ए एंड जीरो बी, इस तरह से जो हमने ऊपर ये शो किया था इससे आ गया जीरो ए प्लस जीरो बी, तो ये फाइव ए प्लस फाइव बी आ गया। साथ ही फाइव ए बी बराबर आ गया जीरो जीरो एंड ए बी, तो ये आ गया फाइव ए एंड फाइव बी, तो ये फाइव ए डॉट फाइव बी आ गया। अतः फाइव ए भले समाकारिता हो गई इसके साथ ही, साथ ही फाइव ए बराबर फाइव बी इम्प्लाई करता है फाइव ए इक्वल टू नहीं जीरो ए इक्वल टू जीरो बी, यानी कि ए इक्वल टू बी, अतः फाई एक एक की है। तथा प्रत्येक जीरो ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए बिलोंग्स टू आर एक ऐसा अवयव है कि फाई ए बराबर जीरो ए, अतः फाई आच्छादक भी प्रूव हो गया। ये इस तरह से हमने पास वन वन ऑन टू एवं जो समाकारिता है वो प्रूव कर ली, अतः फाई आर से एस में एक एक की समाकारिता हो गई, तो हम फलतः आर आर एस अतः आर भले वले का एक मतलब आर जो है वो एस का एक तत्समय की वले में अंतःस्थापन करता है, ये हो गया हमारे पास।